भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एक दौर था जब वाकई में भारत कई मायनों में दुनिया के लिए विश्व गुरु हुआ करता था। फिर चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा पद्धति हो या फिर गणित जैसे विषय हो, भारत को सोने की चिड़िया भी यूं ही नहीं कहा जाता था। एक दौर में भारत दुनिया का सबसे रईस देश हुआ करता था। आज भी भारत में कई ऐसी अनोखी बातें देखने को मिल जाती हैं जो इसे दुनिया से एक अलग देश बनाती हैं। तो आज हम आपको भारत के बारे में 20 ऐसी अनसुनी और अनोखी बातें बता रहे हैं जिन्हें जानकर आपको सच में लगेगा कि भारत वाकई में बेहद अनोखा और बेहद महान देश है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय डार्क नेटवर्क दुनिया का सबसे विशाल डार्क नेटवर्क है। मौजूदा समय में भारत में 155,015 सक्रिय पोस्ट ऑफिस हैं। कश्मीर की डल झील पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस मौजूद है। इसका उद्घाटन हुआ था साल 2011 में। कुंभ मेला भारत में बेहद पवित्र माना जाता है और हर 4 साल के अंतराल पर होने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु जमा होते हैं। कई दफा कुंभ मेले में हिस्सा लेने पहुंचने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि अंतरिक्ष से भी ये भीड़ साफ साफ नजर आ जाती है। एक दौर था जब मेघालय का चेरापुंजी दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला इलाका हुआ करता था। साल 1861 में चेरापुंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात हुई थी, लेकिन अब भी ये रिकॉर्ड भारत के पास और खास तौर पर मेघालय के पास ही है। मेघालय के खासी हिल्स इलाके में मौजूद मासिनराम गांव दुनिया का सबसे अधिक नम इलाका है। मुंबई में मौजूद बांद्रा वर्ली से लिंक का वजन 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके निर्माण कार्य में 2,57,00,000 लोगों ने अपना योगदान दिया था। इस सी लिंक को बनाने में जितना स्टील का तार इस्तेमाल किया गया है उससे पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के चैल में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2,444 मीटर है। सन 1893 में बनकर तैयार हुआ यह क्रिकेट ग्राउंड चैल मिलिट्री स्कूल के अंतर्गत आता है। इस बात को तो बेहद कम लोग जानते हैं कि शैंपू का आविष्कार सैकड़ों साल पहले भारत में हो गया था। उस दौरान जड़ी बूटियों से इसको तैयार किया गया था, हालांकि ये कमर्शियल तौर पर नहीं बनाया गया था। शैंपू शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा के चंपी या चंपू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सिर की मसाज। कबड्डी के अब तक कुल 5 विश्व कप हुए हैं और गर्व की बात हम भारतीयों के लिए ये है कि 5ों विश्व कप भारत ने ही अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय महिला टीम ने भी अभी तक हुए सभी महिला कबड्डी विश्व कप जीते हैं। इस साल यानी 2020 में भी कबड्डी विश्व कप होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये टल चुका है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 2009 में चंद्रयान 1 की मून मिनरोलॉजी तकनीक की मदद से चांद की सतह पर पहली दफा पानी ढूंढने में कामयाबी हासिल की थी। इसरो से पहले दुनिया के किसी भी देश की अंतरिक्ष एजेंसी ये करिश्मा नहीं कर पाई थी। जी हाँ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के गौरव श्री एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में खूबसूरत यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2006 में कलाम साहब स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए थे, उसके बाद से ही स्विट्जरलैंड सरकार ने उनके सम्मान में ये किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी कुल सैलरी का 50% हिस्सा ही लिया था। बकौल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें इससे ज्यादा रकम की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुल 12 सालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उस दौर में भारत के राष्ट्रपति की कुल तनख्वाह 10,000 रुपए प्रति माह थी। भारत का पहला रॉकेट इतना छोटा और हल्का था कि इसे साइकिल पर लादकर केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तक लाया गया था। केरल का पुन्नाथुर कोटा एलिफेंट यार्ड रेजनोवेशन सेंटर भारत और दुनिया का इकलौता हाथियों का स्पा है। यहाँ हाथियों को नहलाया जाता है, मसाज दिया जाता है और खाना भी दिया जाता है। अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जबकि भारत की मुख्य भाषा हिंदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की आबादी अमेरिका के मुकाबले बहुत ज्यादा है।
चूंकि भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और हिंदू धर्म में मांसाहार को प्रतिबंधित माना गया है, इसलिए भारत में ही दुनिया के सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। एक दौर था जब यूरोपियन यूनियन के देशों में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता था, लेकिन साल 2014 में भारत ने यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया और नंबर वन दूध उत्पादक देश बन गया। भारत ही दुनिया का सबसे पहला देश है जहां चीनी का निर्माण शुरू हुआ था। भारत ने ही दुनिया के बाकी देशों को चीनी बनाना सिखाया है। भारत की शकुंतला देवी को मानव कैलकुलेटर होने का खिताब हासिल है। इन्होंने कुल 28 सेकंड में ही इस अंक को हल कर दिया था। विश्व विख्यात कवि व नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। जहां उनका लिखा जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, तो वहीं उन्हीं का लिखा हुआ आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ब्रिटिश सरकार ने गुरुदेव को नाइटहुड की उपाधि देने की पेशकश की थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के कारण इन्होंने ब्रिटिश सरकार का ये ऑफर ठुकरा दिया था। 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक्स में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के ताबड़तोड़ गोल की मदद से भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। इस खेल से जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि उसने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता देने का ऑफर दिया और जर्मन मिलिट्री में एक बड़ी पोस्ट देने का भी ऑफर दिया। इसके साथ साथ जर्मनी की राष्ट्रीय हॉकी टीम से खेलने का भी ऑफर मेजर ध्यानचंद को हिटलर की तरफ से दिया गया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने विनम्रता पूर्वक हिटलर का ऑफर ठुकरा दिया। मशहूर रॉक बैंड क्वीन के मुख्य सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी भारतीय मूल के पारसी थे और इनका असली नाम था फारूख बुलसारा। वहीं ऑस्कर विनिंग अभिनेता बेन किंग्सले भी भारतीय मूल के ही हैं और इनका जन्म भी भारत में ही हुआ था। 14 साल की उम्र तक ये भी भारत में ही रहे थे। इनका असली नाम था कृष्णा पंडित भांजी।